Today we start chapter number 8, comparing quantities. First point is ratio. Firstly, what is ratio? Ratio means comparing two quantities. तो ratio किसे बोलते हैं? जब भी हम कोई भी दो quantity को compare करते हैं, तो that means कि हम उसका ratio find out करते हैं. A basket has two types of fruits, 20 apples and 5 oranges. So, ratio of the number of oranges to the number of apple. तो यहाँ पे ratio किसका find out करना है? Ratio of the number of oranges to the number of apples. तो सबसे पहले क्या है? Number of oranges. तो oranges कितने हैं? 5. और उसके बाद number of oranges का किसके साथ? To the number of apples. तो number of apples कितने हैं? 20. तो वो हो जाएगा 5:20. So the comparison can be done by using fraction as 5/20. यहाँ पे 5:20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/20. Now our next topic is percentage. So firstly, what is percentage? So हमें पता है percentage का sign या symbol कैसा है? Like this. So suppose someone say that in a class 6, the ratio of boys and girls is 60% and 40%. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि क्लास 6 में कोई भी हम ले लेते हैं, सपोज क्लास 6, सो क्लास 6 में बॉयज और गर्ल्स वो दोनों का रेशियो है, बॉयज है 60% और गर्ल्स है 40%. सो दैट मीन्स कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 60% एंड 40%. तो हम परसेंट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं. नाउ कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज. सो यहाँ पे हमको रेशियो मिला 5:20, 5:20. तो इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो कौन सा गिवन है? 5:20, 5:20. उसमें 5 क्या है? ऑरेंजेस है और 20 क्या है? एप्पल्स है. नाउ अभी सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट ऑरेंजेस हो गए. व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस? तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इक्वल्स टू 5/20+5. 20+5 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20+5, 25. सो 5/25 इंटू 100. सी ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 5 25, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 20 = 100. सो यहाँ पे हमको मिल गया 20%. नाउ दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस. नाउ व्हाट अबाउट द परसेंटेज ऑफ एप्पल? सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू एप्पल्स कितने हैं? 20/ टोटल कितना है? 25 × 100, बिकॉज हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 5 4 20 5 5 25. देन 5 × 20 = 100. सो यहाँ पे हो गया 4 2 8 0 एज इट इज. सो यहाँ पे हमको एप्पल के परसेंटेज मिले 80%. सो दैट मीन्स कि परसेंटेज ऑफ एप्पल ऑरेंजेस एंड एप्पल इज 20% and 40%. सो दिस इज अबाउट हाउ कैन वी कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज. नाउ सपोज आपको कहीं पे गिवन है कि कोई क्लास है वो पिकनिक में जा रहे हैं. सपोज क्लास 6 इज गोइंग फॉर द पिकनिक. So the ratio of the student who are going to picnic is 72% of 25.
तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि भाई कोई क्लास है वो पिकनिक में जा रहा है और वो उसका कितना परसेंट रेशियो है वो जा रहा है, सो दैट मीन्स कि जो टोटल स्टूडेंट है 25%, जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो 25% है. नाउ 25 स्टूडेंट है. नाउ 25 स्टूडेंट का 72% है वो पिकनिक पे जा रहा है. इसका मीनिंग ये होता है. नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट दी 72% ऑफ 25. तो 72% ऑफ 25 कितने होंगे? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 72 एज इट इज़. नाउ मुझे परसेंट को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसके डिनोमिनेटर में रख देंगे हम 100 इंटू, यहाँ पे ऑफ, ऑफ का मीनिंग हो जाएगा इंटू देन आफ्टर 25. सो दैट मीन्स कि कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा हुआ है कुछ भी परसेंटेज है ऑफ कुछ नंबर, तो दैट मीन्स कि वो नंबर के डिनोमिनेटर में 100 इंटू वो नंबर हो जाएगा. नाउ अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़. सो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़. यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर इज 1, देन 6 into 2 equals to 12. नाउ यहाँ पे है 36. नाउ हियर अगेन 25 into 2 equals to 50. ओके, नाउ यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करूँगी, सो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 1, एंड देन 2 5 ज़ा 10. यहाँ पे इसको फर्दर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18. 18 2 ज़ा 36. नाउ यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला 18. सो दैट मीन्स कि 18 स्टूडेंट्स विल गो फॉर द पिकनिक. सो यहाँ पे हमें पता चला कि फ्रॉम 25 स्टूडेंट टोटल 18 स्टूडेंट विल गो फॉर द पिकनिक. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग दी इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. सो जो हमारे परसेंटेज है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, वॉट इज़ द प्राइस नाउ? सो यहाँ पे एक स्कूटर का प्राइस है वो 34,000 था लास्ट ईयर, बट इन अ रिसेंट ईयर उसमें 20% इसके रेट में 20% है वो इंक्रीज हुआ, तो अभी का प्राइस क्या होगा? तो सी ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी इंक्रीज होगा तो जो हमारी ये प्रिंसिपल अमाउंट है उससे अमाउंट बढ़ जाएगी. नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट दी 20% ऑफ 34,000, जैसे हमने लास्ट पिकनिक वाले एग्जाम्पल में देखा. सो हियर 20% ऑफ 34,000, तो वो कैसे हो जाएगा, 20% को मैं रिमूव करूँगी तो अपॉन में 100 एंड इंटू 34,000, तो यहाँ से 20 20 कट हो गए. नाउ 340 into 20 equals to 6800, दैट मीन्स कि 6,800. सो यहाँ पे हमको पता चला कि टोटल 6,800 है वो ये 34,000 में ऐड हो जाएंगे बिकॉज इंक्रीज हुआ है अल्टीमेटली. तो हम क्या करेंगे, न्यू प्राइस इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज. अभी हमारा ओल्ड प्राइस क्या था, 34,000 प्लस इंक्रीज प्राइस कितना हुआ, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमको परसेंटेज गिवन था, जो हमारा इंक्रीज रेट था वो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया रुपीस में, तो यहाँ पे ये जो रुपीस मिले वो हम क्या करेंगे, ओल्ड प्राइस में ऐड कर लेंगे. सो 34,000 प्लस 6,800 इक्वल्स टू 40,800, दैट मीन्स कि अभी ये रीसेंट ईयर में स्कूटर की प्राइस हो जाएगी 40,800. नाउ ये बात हो गई इंक्रीज की. जब भी कोई चीज़ में इंक्रीज होता है, कोई चीज़ में मीन्स की परसेंटेज में इंक्रीज बताया गया है,
तो हम क्या करेंगे, वो जो इंक्रीज परसेंट है उसको हम कन्वर्ट करके जो हमारी ओल्ड प्राइस है उसमें ऐड करेंगे। इंक्रीज को हमेशा याद कर रखना है, इंक्रीज को हम ऐड करेंगे। और सपोज डिक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है प्राइस, तो प्राइस को किसी भी चीज़ में डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि उतना कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे डिक्रीज के केस में, यहाँ पे डिक्रीज के केस में हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीज की जगह पे लिखा होता है डिक्रीज बाय 20%, तो वो केस में यहाँ तक तो हम सेव ही करते, 20% फाइंड आउट करते, और ये जो अमाउंट है उसको हम क्या करते, इसमें से सबट्रैक करते। ओके, एक यहाँ पे डिक्रीज का एग्जाम्पल है, सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज डिक्रीज बाय 5%, देन लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर। अभी ये स्कूटर का प्राइस मिला, अभी ये प्राइस में कोई लेने को रेडी नहीं है सेकेंड हैंड स्कूटर, तो अभी ये जो प्राइस है स्कूटर की, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल, जो स्कूटर का सेल है वो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको रेट है वो कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बोला है कितना रेट किया, कम किया है, डिक्रीज बाय 5%। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये जो हमारे अमाउंट है 34,000 का 5%, सो दैट मीन्स कि हमारा हो जाएगा रिडक्शन इक्वल्स टू 5% ऑफ 34,000। नाउ अगेन 5% ऑफ 34,000 कैसे होगा, 5% को रिमूव करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, और ऑफ 34 का हो जाएगा इंटू 34,000, तो यहाँ से भी 0000 क्रॉस हो जाएगी, 5 × 340 इक्वल्स टू 1700। नाउ दैट मीन्स कि 1700 का डिक्रीज हुआ है, तो ये 1700 को हम अल्टीमेटली ये 34,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यू प्राइस इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस माइनस रिडक्शन। तो ओल्ड प्राइस क्या था, 34,000 माइनस रिडक्शन कितना किया, 1700, सो दैट इक्वल्स टू 32,300। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग डिस्काउंट, सो दिस इज़ द पॉपुलर पॉइंट इन द केस ऑफ लेडीज़, बिकॉज लेडीज़ को हमेशा हर चीज़ पे डिस्काउंट चाहिए। तो ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। सो फर्स्टली डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नाउ यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है अल्टीमेटली जो हमारी गिवन प्राइस है, गिवन प्राइस मीन्स की जो मार्केट प्राइस है उसमें रिडक्शन, उसमें कितना लेस हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। यू कैन फाइंड द डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम इट्स मार्केटेड प्राइस। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केटेड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एन आइटम मार्केटेड एट रुपीज 840 इज सोल्ड फॉर रुपीज 714, वॉट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। सो यहाँ पे कोई एक प्राइस है जिसकी मार्केट वैल्यू थी 840 और उसको सोल्ड किया गया इन दी 714 रुपीज़, तो डिस्काउंट कितना मिला, तो क्या करेंगे हम मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 840 − 714 तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 126, तो दैट मीन्स कि 126 का हमें डिस्काउंट मिला, कितने रुपीज़ का, 126 का। नाउ यहाँ पे अगर डिस्काउंट परसेंट पूछा जाता है तो डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेगी, ऑन मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज़ 100 हाउ मच विल बी द डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट कितना जो हमें रुपीस में मिला है, डिस्काउंट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो जितना हमें डिस्काउंट मिला है वो अपॉन जो हमारी मार्केट प्राइस थी वो इंटू 100%, बिकॉज परसेंट कितने में होता है, कोई भी चीज़ का परसेंट होता है 100 में, सो इंटू 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। सो दैट मीन्स कि कितना डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला 15%। नाउ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। वॉट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो यहाँ पे एक फ्रॉक है, उसका जो प्राइस है वो गिवन है, और वो सेल प्राइस कितना है, वो फ्रॉक का मार्केट प्राइस है ₹220, और उस पर 20% का डिस्काउंट अनाउंस हुआ है। तो दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट दी 20% ऑफ 220। तो यहाँ पे कैसे होगा, 20% ऑफ 220 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20, अभी मुझे परसेंट रिमूव करना है तो अपॉन 100, और ऑफ 220 का हो जाएगा इंटू 220। तो यहाँ से 10 10 10 10। नाउ हियर 22 into 2, 22 into 2 इक्वल्स टू 44। सो दैट मीन्स कि ₹44 का डिस्काउंट मिला। नाउ यहाँ पे याद रखना है, ₹44 डिस्काउंट मिला है, ना कि ₹44 में हमें ये फ्रॉक मिलेगा। ओके, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। तो अभी हमारा जो डिस्काउंट मिला है उसको हम क्या करेंगे, हमारी जो सेल प्राइस है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी जो मार्केट प्राइस है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी मार्केट प्राइस कितनी है, 220 माइनस क्या किया हमने, जो डिस्काउंट है वो कितना दिया, ₹44 का। तो दैट मीन्स कि 220 माइनस ₹44, तो यहाँ पे हो गया 176। तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस वुड बी ₹176। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है वैट, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है GST। नाउ हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट पे टैक्स अप्लाई होता है, तो वो केस में जो वो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में जितने परसेंट टैक्स है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, हमेशा हमें याद रखना है, कोई भी टैक्स अप्लाई हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट पे, तो वो हमें ऐड करना है। नाउ यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट दिया गया है, सपोज कोई एक बिल है, बिल में यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है। नाउ यहाँ पे हमने कोई भी आइटम ली है, सपोज पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, तो बिस्किट पे उसने कितना परसेंट टैक्स लगाया है, तो यहाँ पे सपोज उसने सेल्स टैक्स लगाया है 5%। तो उसके बाद यहाँ पे रेट कितना हो रहा है और उसका फाइनल पेएबल अमाउंट कितना होगा, ऐसे आपको कभी भी बिल में देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ का हम बिल लेते हैं, टैक्स वाला बिल, तो उसमें इसी तरीके से चीज़ें गिवन होती हैं। नाउ एक एग्जांपल दे लेते हैं। सो हियर इन एग्जांपल, फाइंडिंग सेल्स टैक्स, द कॉस्ट ऑफ अ पैर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450। द सेल्स टैक्स charged was 5%. Find the bill amount. So यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट है रोलर स्केट, उसकी प्राइस है 450 rupees। नाउ अभी उस पर उसने जो हमारा सेलर है उसने टैक्स लगाया है, सेल्स टैक्स लगाया है 5%। तो हम क्या करेंगे, 450 में ये 5% को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा, ऑन ₹100 द सेल्स टैक्स पेड वॉज
rupees 5. So on the 450, the tax paid would be 5/100, बिकॉज यहाँ पे कितना है टैक्स 5%, तो 5% को अगर मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा 5% ऑफ 450, बिकॉज उसने कितना टैक्स पे किया है 5%, और किसका 5%, तो 450 का 5%, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैक्स पेड वुड बी 5% ऑफ 450, तो 5 का 5% को हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 450, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 कट, 5 2 10 हो जाएगा. नाउ हियर 45/2, द 45/2 का हो जाएगा यहाँ पे 22.50, तो दैट मीन्स कि 22.50 है वो क्या करना है, हमें ऐड करना है 450 रुपीस में, बिकॉज दिस इज़ दी सेल्स टैक्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स. तो कॉस्ट क्या है आइटम की, रुपीस 450 प्लस हमने सेल्स कितना निकाला, सेल्स टैक्स कितना निकाला, दैट इज़ रुपीस 22.50. तो यहाँ पे ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 472.50 रुपीस. सो दैट मींस कि अल्टीमेटली जो बायर है वो बायर को ये रोलर स्केट्स के लिए कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, 472.50 रुपीस. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग इन ब्रैकेट प्रॉफिट एंड लॉस. तो जब भी कोई प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो वो केस में कुछ प्राइजेस होते हैं. कौन सी प्राइस है, फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस, सेकंड वन इज सेलिंग प्राइस. तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे होता है. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो सो हियर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड. तो कोई भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा कि जो भी प्राइस पे हमने परचेस किया है वो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. तो अभी वो चीज़ जो मैंने परचेज की है उसको मैं सेल कर रही हूँ, तो वो जो प्राइस होगी जिस प्राइस पे मैं वो चीज़ सेल कर रही हूँ वो हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस. इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ एक शॉपकीपर है, ओके, सपोज़ पेन पेंसिल बेचता है एक शॉपकीपर स्टेशनरी वाला. तो वो स्टेशनरी पर्सन है, वो पेंसिल को कंपनी में से परचेज करता है 100 रुपीज़ में, ओके. पेंसिल का वो 10 बॉक्स पेंसिल के परचेज करते हैं 100 रुपीज़ में शॉपकीपर. नाउ अभी जो जब भी वो शॉपकीपर कस्टमर को बेचते हैं, जब भी वो शॉपकीपर वो बॉक्स कस्टमर को बेचते हैं, तो वो टाइम पे सपोज उसने एक बॉक्स परचेज किया है 100 रुपीज़ में, उस तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, पेंसिल के एक पैकेट की कॉस्ट प्राइस उसके लिए हो जाएगी 100 रुपीज़. नाउ अभी जब भी वो स्टेशनरी पर्सन जो कस्टमर होते हैं, जब भी हम परचेज करने जाते हैं स्टेशनरी पे, तो अभी वो हमें वो एक पेंसिल का बॉक्स है वो सेल करता है 120 रुपीज़ में. तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 120 रुपीज़. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपीज़. नाउ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो पर्सन है शॉपकीपर, उसने 100 रुपीज़ में परचेस किया, सेल किया 120 रुपीज़ में, तो उसने कितने रुपीज़ ज़्यादा भी सेल किया, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 120 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़. तो दैट मीन्स कि वो शॉपकीपर को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो हमेशा याद रखना है कि जब भी सेलिंग प्राइस है वो बड़ी होगी कंपेयर टू दी कॉस्ट प्राइस, तो वो केस में प्रॉफिट होगा.
और सपोज सेलिंग प्राइस है वो छोटी है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन दी कॉस्ट प्राइस, तो वो केस में लॉस होगा। ये एक बेसिक फंडा है आपको याद रखना है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट विल अकर, एंड इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन लॉस विल अकर। यहाँ पे वो सेम चीज़ मैंने बताई है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट अकर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट। और लॉस क्या है, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन लॉस अकर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये आपको बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंट याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको याद रख लो एक ही चीज़ कि भाई कौन सी चीज़ बड़ी होनी चाहिए, तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाती है, जब भी कोई भी चीज़ को, यहाँ पे हमने बॉक्स पेंसिल का एग्जांपल लिया, पेंसिल बॉक्स का, तो जब भी स्टेशनरी ने, स्टेशनर शॉपकीपर ने क्या किया, पेंसिल के बॉक्स ऑर्डर किए कंपनी में से, तो वो टाइम पे सपोज वो कंपनी है जहाँ से वो शॉपकीपर ने मंगवाए बॉक्स, वो आउट ऑफ गुजरात है, सपोज वो कहीं दिल्ली में है, दिल्ली में, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, इस पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप्लाई होंगे, बिकॉज दिल्ली से गुजरात लाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले चार्जेस है वो ऐड कर देगा। ओके, वो सारे चार्जेस है वो ऐड करेगा, किस में ऐड करेगा, कॉस्ट प्राइस में। सो यहाँ पे है, एक्सपेंसेस आर समटाइम्स रेफर्ड एज ओवरहेडेड चार्जेस, दिस मे इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स, लेबर चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो कहीं पे भी ऐसा आपको बोला जाए कि इसमें कुछ लेबर चार्ज अप्लाई हुआ है या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, या तो उसकी कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ ली है और उस पर रिपेयरिंग का काम किया है, तो ये सारे केस में जितना खर्च हुआ है, जितना एक्सपेंस हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में। ओके, नाउ अभी इसके बेस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़ 2,500, then spent rupees 500 on its repair and sold it for rupees 3,300. Find his loss or gain percent. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर है वो बाय किया है, और वो कौन से रेट पे बाय किया है, रुपीज 2,500. ना उसके बाद वो कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं था, उसके ऊपर कुछ रिपेयर्स रिक्वायर थे, तो उसने उसमें 500 रुपीज़ स्पेंड करके उसका रिपेयरिंग वर्क करवाया, और उसके बाद उसने वो जो रेफ्रिजरेटर है वो 3,300 में सेल कर दिया। तो अभी उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है और उसके परसेंट कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना है, उसने कॉस्ट प्राइस कितने में परचेज किया, 2,500 प्लस ये हमारा जो एक्सपेंस है वो भी ऐड हो जाएगा बिकॉज उसने उसके रिपेयर करवाया, तो यहाँ पे हमने बोला कि रिपेयर वाली अमाउंट भी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे 2,500 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू रुपीज़ 3,000, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3,000। नाउ सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस है 3,300, तो यहाँ पे कौन सी प्राइस बढ़ी है, सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तो जब भी सेलिंग प्राइस बढ़ी होगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट हमें मिलेगा 300। नाउ यहाँ पे ये प्रॉफिट हमें मिला कितने रुपीस, प्रॉफिट हुआ
तो वो हमें मिल गया 300 रुपीज़। बट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है वो, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट दी प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी मिली हमें 3000 इंटू 100। तो यहाँ पे ये 00 00 क्रॉस, यहाँ पे ये ज़ीरो क्रॉस, तो रिमेनिंग हुआ 3 × 10। तो 3 × 10 इक्वल्स टू 30 अपॉन, डिनोमिनेटर में है 3, सो 30/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 30/3, तो यहाँ पे 3 × 10, तो दैट मीन्स कि 10%। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल 10%। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फर्स्टली लेट अस नो व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड by institution like banks or post office on money deposited with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. So in the previous class we already know that how to calculate simple interest. और ये इंटरेस्ट क्या होता है, जनरली बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में हम जो हमारे पैसे हैं डिपॉजिट कराते हैं उस पर जो बैंक्स होती हैं वो कुछ एट द ईयर एंड कुछ इंटरेस्ट देती हैं, और उसके अलावा भी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जब भी हम कभी किसी से मनी को बोरो करते हैं, तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको वो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वी स्टार्ट विथ 100 रुपीज़। सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 100 रुपीज़ के कॉन्टेक्ट में कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से वो देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 साल के लिए हमारे पास 100 रुपीज़ हैं वो हैं, तो 100 रुपीज़ पे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, एंड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स हमें कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केस में है 100 रुपीज़। अभी सिंपल इंटरेस्ट में केस में क्या हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% 100 का 10% होता है 110। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 10 × 100 × 100, तो 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। सो दैट मीन्स कि 10% ऑफ 100, तो वो हो गया कितना, 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा, ये 10 रुपीज़ है वो 100 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110। सो दैट मीन्स कि आफ्टर 1 ईयर हमको 110 रुपीज़ मिलेंगे। नाउ सेकेंड ईयर के केस में क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, अभी ये 100 पे हमें फिर से 10% हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% अगेन 10 रुपीज़, तो वो कितना हो जाएगा, 100 + 10 110। तो ये 110 है हमारे पास ऑलरेडी जो फर्स्ट ईयर का, उसमें हम ये 10 रुपीज़ को ऐड करेंगे। तो सेकंड ईयर के केस में क्या हो जाएगा, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो वो भी कितना हो जाएगा 10, बट ये हम किस में ऐड करेंगे, हमारा जो ईयर एंड अमाउंट है उसमें। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास कितना बैलेंस था, 110, तो ये 110 में हम ये 10 ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 120। नाउ थर्ड ईयर,
थर्ड ईयर में भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 है, अभी 10% इंक्रीज मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 का 10 रुपीज़, तो अगेन 100 का 10 रुपीज़ है यहाँ हमको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब ये 10 हम किस में ऐड करेंगे, ये 10 हम ये सेकेंड ईयर की जो एंड अमाउंट थी 120 उसमें ऐड करेंगे, सो 120 प्लस 10 तो 130, सो दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वी गेट 130 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने देखा कि जो भी हमारा एवरी ईयर जो हमारा इंटरेस्ट परसेंट है वो हम ऐड करेंगे, बट वो हम किस में ऐड करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर का लास्ट अमाउंट था उसमें, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लास्ट अमाउंट में हमने 10 रुपीज़ इंटरेस्ट ऐड किए, सिमिलरली थर्ड ईयर में लास्ट ईयर कौन सा हो गया, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लास्ट ईयर की अमाउंट थी उसमें हमने फिर से 10% जो हमारा इंटरेस्ट था वो ऐड कर लिया। नाउ इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़। नाउ अगेन यहाँ पे 10% इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो 10% इंटरेस्ट 100 का 10% हो जाएगा 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 प्लस 10 हो जाएगा 110। नाउ अगेन सी, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी, जो हमें यहाँ पे ईयर एंड में मिली है वो हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये वाली अमाउंट है इसमें 10% इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो 110 का 10% हो जाएगा 11 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट में हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो 110 प्लस 11 तो हमें मिलेगा 121 रुपीज़। नाउ थर्ड ईयर में क्या क्या होगा, थर्ड ईयर में फिर से जो हमारा एंडिंग मनी था, एंड अमाउंट था, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा एंड अमाउंट क्या था, 121, तो 121 का 10% कितना हो जाएगा, 12.10, तो यहाँ पे 12.10 है वो ऐड हो जाएगी 121 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 133.10, सो दैट मीन्स कि एट दी थर्ड ईयर एंड आफ्टर दी थर्ड ईयर वी गेट रुपीज़ 133.10। सो यहाँ पे इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो रुपीज़ मिल रहे हैं वो है 133.10, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें जो रुपीज़ मिल रहे हैं एट दी थ्री ईयर आफ्टर दी थ्री ईयर वो है 130। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है, बिकॉज़ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, सभी जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहती है, जो हमारी स्टार्टिंग में होती है वही होती है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होता है, लास्ट ईयर की जो हमारी फाइनल अमाउंट थी वो नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट हो जा रही है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो लास्ट ईयर की फाइनल अमाउंट थी वो हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट हो जा रही है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 130 माइनस 100। तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 100, तो हम 130 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 30 रुपीज़। सिमिलरली इंटरेस्ट अर्न बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो केस में भी हमारा जो फाइनल आफ्टर थ्री ईयर के बाद जितना हमें मिला रुपीज़ वो उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 133.10 माइनस 100, तो दैट मीन्स कि 33.10 यहाँ पे हमें एज अ इंटरेस्ट मिला। सो वी नोट दैट प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट वाइल इट चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी थ्रू आउट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो एवरी ईयर चेंज होती रहेगी। नाउ सपोज़ यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सपोज़ मैंने बैंक में कुछ अमाउंट है वो डिपॉजिट कर ली है, सपोज़ मैंने ₹2,000 है वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, नाउ आफ्टर 10 ईयर्स
मुझे काउंट करना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हम कैसे करेंगे? तो अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी और वहाँ पे मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, उसको यूज़ करके। तो वो क्या है? हियर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो केस में फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, आर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे हो जाएगा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए रखा है, कितने रेट ऑफ परसेंट पे रखा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा है, और ये पी हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। सिमिलरली अगर हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट करना है, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वो केस में फॉर्मूला डिफरेंट है। क्या है वो? है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 200 ब्रैकेट क्लोज्ड रेस टू 2n। पावर हो जाएगी यहाँ पे 2n। नाउ यहाँ पे 2n, तो 2n क्या है? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, और बाकी जो है पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल, आर इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं कि जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमेशा याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर की अमाउंट थी, प्रीवियस ईयर की अमाउंट क्या हो जाएगी? हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होके जो हमारी अमाउंट हो रही थी वो। तो हमेशा याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे प्रीवियस ईयर की अमाउंट पे अप्लाई होगा, वेयर एज जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई होगा।